अंधश्रद्धावादी लोग कभी पानी की पूजा करते हैं, कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी धरती की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते हैं। बंधुओं, पानी कोई देवता नहीं, कोई परमात्मा नहीं, पानी जड़ है, पानी प्रकृति है, प्रकृति में गुण होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान चेतन में होता है। प्रकृति न अपने को जानती है और न दूसरे को जानती है। ये शरीर न अपने को जान रही है न दूसरे को, लेकिन पुरुष अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। ये जीवात्मा अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। ये शरीर न अपने को जान रही है और न दूसरे को जान रहा है। ये पेड़ पौधा न अपने को जान रहा है न दूसरे को जान रहा है। प्रकृति में गुण होता है और पुरुष में ज्ञान होता है। और ये जीव चेतन है, इसमें ज्ञान है, और ज्ञान होने के बाद भी ये जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। पानी को लोगों ने भगवान माना, परमात्मा। महिला सब गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी त्राप्ती नर्मदा में जाके स्नान करती है और उससे बेटा पोता नाती जमीन मकान दुकान मांगती है, रुपया चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, बकरी चढ़ाती है। पानी भगवान है, मिल गया क्या? जो मांगे सो मिल गया। पानी अगर भगवान है तो भगवान दयालु होता है कि निर्दयी? कैसा होता है? दयालु होता है। एक बार गंगा उफनाती है तो कितना बेटा को समेट करके रख लेती है। एक बार बाढ़ आ गया कितने लोग बेघर हो जाते हैं। पानी तो आया, देवता तो आया घर में, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का फसल बर्बाद हो गया, आदमी डूब के मर गया, मवेशी डूब के मर गया। दुख मिला कि सुख? परमात्मा तो दुख देने वाला नहीं है, वो तो सुख देने वाला है। और पानी को आपने परमात्मा माना, वो पानी आकर के दुख दिया। कैसे समझा जाए कि पानी परमात्मा है? बंधुओं, पानी पीने की चीज है, पानी खेत में पटा के उपजा करने की चीज है, पानी से स्नान करने की चीज है, पानी से कपड़ा धोने की चीज है, पानी से होटल चलाने की चीज है। पानी गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं, इसलिए कि पानी में न ज्ञान है, न ध्यान है, न बुद्धि है, न विवेक है, न दया है और न क्षमा है। पानी कभी नहीं सोचेगा कि हमारा पूजा किया है, इसकी रक्षा हम करते हैं। उसी पानी में, जिस पानी का आपने पूजा किया है, उसी पानी में एक दिन नाती डूब के मर जाएगा, उसी पानी में एक दिन पोता डूब के मर जाएगा, बेटा डूब के मर जाएगा, उसी पानी में 10 बीघा धान डूब के गल जाएगा, उसी पानी में दस्तावेज और खतियान डूब के गल जाएगा, उसी पानी में लाख लाख रुपया आपका डूब के गल जाएगा। हो गया भगवान से भेंट, भगवान से भेंट हो गया,
उस समय तो आप कपार फोड़ेंगे, नाती डूब के मरेगा तो, कि जिसकी मैंने पूजा की अब वही हमारे नाती को मार दिया, आपको मोह हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा और आप भी मर जाएंगे। अगर सुख पाना चाहते हैं जीवन में, अगर शांति पाना चाहते हैं, तो इन जड़ प्रकृति के पूजा को बंद कर दीजिए। जब तक पूजते रहेंगे दुख मिलता रहेगा और आपकी मृत्यु होती रहेगी, आप नरकगामी बनते रहेंगे। क्योंकि पानी में ज्ञाने नहीं है कि आपके पोता को बचा पाएगा और आपके नाती को बचा पाएगा कि हमारा पूजा ही किया है, इसका धान हम नहीं डुबाते हैं, ऐसा नहीं। तब आप कहेंगे कि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी के बिना आप मरने वाले भी नहीं हैं, इसलिए कि गाड़ी अलग होती है, उसका चालक अलग होता है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस। ड्राइवर कोई पेट्रोल पीता नहीं, ड्राइवर का भोजन होता है चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, चिवड़ा, दही, पेड़ा, रसगुल्ला, आम, लीची, कटहर, केला, काजू, किशमिश, बादाम। ड्राइवर का भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। ये काया एक गाड़ी है, देखिए भोजन बन रहा है, अब बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं। गाड़ी का भोजन वहां बन रहा है, सारे लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये मंच बना है ड्राइवर के भोजन के लिए, ये गाड़ी के भोजन के लिए नहीं। ये जो बोल रहा है जीवात्मा, ये गाड़ी का चालक है, ड्राइवर है। इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है बुद्धि, इसका भोजन है विवेक, इसका भोजन है दया क्षमा, इसका भोजन है साधना। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। ये चालक जो बोल रहा है, ये अधसर सांप के काटने से तो मरने वाला है ये नहीं, ये रेल में कट के मरने वाला है ये नहीं है, ये पानी में डूब के मरने वाला है ये नहीं है, फांसी लगा के मरेगा नहीं, तो ये चालक ड्राइवर कैसे पानी बिना मर जाएगा? पानी के बिना चालक नहीं मर सकता, गाड़ी रुक सकती है, चालक नहीं मरेगा पानी के बिना। बंधुओं, ये दुनिया अंध श्रद्धावादी आज तक पानी का पूजा करते आ रहा है, जीवन में कभी सुख शांति नहीं आए। छठ आ रहा है, आप अखबार में देख लीजिएगा, छठ तो पर्व है, सुख मिलना चाहिए, और नहीं हो तो 150 वो लड़का घाट बनाने में तालाब में और नदी में डूब के मरेगा, अखबार में आ जाएगा। घाट बनाएगा, नदी में नहाने जाएगा, तालाब में डूब के उधरे मरेगा। हर साल ऐसा हो रहा है, होगा ही। दूसरे लोग आग की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा। अग्नि में इतना महंगा घी जलाया गया, अरवा, चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा, मसी, गुगुल, कहते हैं आग देवता है। और ये धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग जलवाते हैं आग में घी। हम लोग भी तो माँ का दूध पिए थे, कि माँ का दूध घी बन के आग में जला था, ऐस्वार्थी लोग अपना माँ का पूरा दूध पी गए, अब पारा पारी बाछा बाची के हिस्सा छीन के और घी बना के आग में जला दिया। ये कौन धर्म है? किसने इसको धर्म कहा? केवल पंडितों ने इसको धर्म कहा, तो भारी अधर्म है। धर्म यहां है कहां? इतना महंगा घी को आग में, अच्छा आग में से कौन गैस निकलता है? तो आदमी के लिए फायदा करता है कि नुकसान? फायदा कहां से है घी जलाना? आग में जला दिया,
फूल के महंत हैं कि हम बहुत बड़ा जग किए हैं। इसे सुख मिल जाएगा क्या? शांति मिलेगी क्या आग जलाने से? आग में घी जलाने से न सुख मिलेगा न जीवन में शांति आएगी, क्योंकि आग कोई देवता नहीं है। आग प्रकृति है, आग जड़ है, आग में गुण है, ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा करेगा। वो आग बड़ा पूजा किए हैं तो वो लुत्ती अपना छप्पर पर रख के देख लीजिएगा तो मिर्गी आपका पूरा उतार देगा। बहुत इसकी पूजा किए हैं तो वो लुत्ती अपना छप्पर पर रख लीजिएगा, अन्यथा वो लुत्ती चरंक में रख दीजिएगा, क्या कर देगा पता नहीं। अंधविश्वासी लोग आज तक अग्नि की पूजा करते आ रहे हैं। अग्नि देवता नहीं है, अग्नि में भी ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक और दया क्षमा नहीं है। जिस आग का पूजा किया है आपने, वही आग आपके घर को एक दिन जलाएगा। साउथ सिल्क बनारसी और गज्जी सिल्क साड़ी जलेगी उसी आग में, फुल पैंट कोट शर्ट जलेगा उसी आग में, नाती जलेगा, पोता जलेगा, गाय जलेगी, भैंस जलेगी उसी आग में, दस्तावेज खतियान जलेगा उसी आग में, और लाख लाख रुपया जल के राख हो जाएगा उसी आग में। उस दिन आप कहिएगा, हे परमात्मा, आपकी मैंने बहुत सेवा की है, बहुत घी अरबा चावल जौ तिल आपको खिलाया है, जरा क्षमा तो कर दो, ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा। कितनों कर जोड़ के हार जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान होता तब तो मान जाए, ज्ञान तो है नहीं, ये तो जड़ है बिल्कुल। जड़ में गुण होता है, आग से भोजन बनाने की चीज है, आग जारा में तापने की चीज है, आग से कपड़ा पर आयरन करने की चीज है, आग से बिजली तैयार करने की चीज है, आग से चिमनी भट्ठा चला के खपरा ईंटा पकाने की चीज है। आग गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन भर आग से दुख मिलेगा, और प्रकृति जो है वो संजोग पर चलती है, संजोग पर। प्रकृति आपको दुख देने के लिए भी नहीं आया है, उसका संजोग है। जेठ महीना है, कड़ी धूप है, अपूर्वैया हवा चल रही है, कहां यग लगी नहीं होगा, क्योंकि संजोग बन नहीं रहा है। आ जिसी समय पछिया हवा पकड़ ले, संजोग एक तो कड़ा धूप और दूसरे पछिया पकड़ लिया, दोनों का संजोग मिल गया। अब देखिए अखबार उलट के कितना घर कितना गांव में चल। एक लड़की कुमारी अवस्था में है, एक भी बाल बच्चा उसके पास नहीं है, और संजोग करा दीजिए एक दुल्हा से, परिणाम देखिए आना शुरू हो गया। प्रकृति चलती है संजोग पर। अग्नि कभी देवता नहीं हो सकता, कभी भगवान नहीं हो सकता। आप मरेंगे उसके चलते, जब घर में आग लगेगी या सारे कुछ जलेंगे तो आप जहर खा के फांसी लगा के मरेंगे। सुख दिया अग्नि की दुख दिया है, सुख मिला कि दुख मिला, दुख मिल गया है। जहां पूजा किया आपने वहां से दुख आया है, सुख नहीं आया। तीसरे लोग आसमान में ताकते हैं, परमात्मा परोक्ष में बैठा है ऊपर, उसी के कृपा से बेटा बेटी नाती पोता, बेटी दामाद नाती नतनी, उसी ऊपर का भगवान के कृपा से बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर कलेक्टर हो गया, उसी के कृपा से खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार माल मवेशी रात दिन भोर भिनसर ऋतु परिवर्तन, उसी की कृपा से अति वृष्टि अनावृष्टि, माने सारे कार्य के नियंता ऊपर में बैठा है। न जाने वो कचबचिया है कि सत भैया है कि डंटी तरजुआ है, ऊपर में कौन भगवान है पते नहीं चल रहा। सब लोगों का इशारा है ऊपर,
ऊपर में भगवान है। साहेब कबीर, सदगुरु कबीर एक महिला से पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। ए सखी, खसम माने दुल्हा, पिया, परमात्मा, हस्बैंड, पति, सौहर, अब उसको मालिक कही, सखी तेरा मालिक कहां रहता है? तो सखी कहती है ऊपर आकाश में। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं, दुल्हा आकाश और दुल्हिन, दुल्हिन कहां है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हिन, कैसे कछो हमटायो जी। ये दुल्हा दुल्हिन में प्रेम मोहब्बत कब होगा, जरा दूरी देखा जाए दोनों में। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हिन हो कल्याणपुर में, कै गो बाल बच्चा होगा? दुल्हा है आकाश में और दुल्हिन है जमीन पर, पीप है आकाश में और जीव है धरती पर। कभी भेंट उठ हुआ पीप से? कौन कौन काम बनेगा वो पीप से? ऊपर में यदि परमात्मा है तो परमात्मा का काम है जीव को सुख देना कि दुख देना, क्या देना? ऊपर से अगला साल जब ठनका गिरा 1500 आदमी मर गए, 2-4-500 तो इस बार भी मरे। अगले साल एमपी का चुनाव था, उस समय महेशखूंट स्टेशन से लेके अब पसराहा स्टेशन तक 2-2 किलो, 4-4 किलो के पत्थर गिरा, 10 आदमी तो मरिए गया, 200 आदमी हॉस्पिटल गया, खपरा एस्बेस्टस तो इलाका के चूर हो गया, गेहूं मकई सब खेते में रह गया। यही काम है ऊपर का भगवान के। ऊपर में भगवान है सुख देने के लिए कि दुख देने के लिए? कितना ठनका गिर के मर गया, कितना बिजली गिर के मर गया? ऊपर का भगवान कभी अतिवृष्टि कर दिया, कभी अनावृष्टि कर दिया, यही काम है परमात्मा के, केवल दुख देना। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं, पोल है आकाश, जड़ है, प्रकाश में भी ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है। जेठ महीना इतना धूप देगा ऊपर का आकाश कि कितने लोग लू लग के मर जाएंगे, अब पूस में गायब होगा तो कितना बुढ़वा सब शमशान चला जाएगा जाड़ से। आज तक मनुष्य अंधविश्वासी होकर ये पूजा करते आ रहा है, चेतन होके अजड़ का पूजा कर रहा है, कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए। अब मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आ समय भी चला गया, समय भी आपका बर्बाद हो गया, मिला तो कुछ नहीं। आकाश में कोई देवता नहीं, आकाश में कोई भगवान नहीं, आकाश जड़ है, उसके छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं है, वो प्रकृति है और प्रकृति जड़ होती है और जड़ में गुण होता है, ज्ञान नहीं होता है। क्या पढ़ू दया क्षमा कभी कर दे। आपका बेटा कहीं बाहर में भैंसी चरा रहा है, अठन का ठनक गया, वही रह जाएगा, भैंसियों रह जाएगी या बेटो रह जाएगा, खत्म। सुख मिल गया, आकाश ने सुख दिया, फिर लोग धरती की पूजा करते हैं। धरती परमात्मा है, भगवान है। आ कहीं भूकंप आ जाए तो तब धरती सुख देगा कि दुख देगा? दुख दिया। चारों तरफ मनुष्य भगवान मानते चल रहा है, जाना नहीं, यह मंच मानने की नहीं है, यह मंच जानने की है। ये मंच अंध श्रद्धा का नहीं है, शंका का है। और हमारा विद्वान लिखा, आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं,
जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है, और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। धरती पर अन्न उपजाने की चीज है, धरती पर ये पंडाल और मंच बना के प्रवचन करने की चीज है, धरती पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने की चीज है, धरती पर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनाने की चीज है, धरती पर असेंबली भवन, पार्लियामेंट भवन बनाने की चीज है, धरती पर कोल्ड स्टोर, सिनेमा हॉल खोलने की चीज है, धरती पर अन्न उपजाने की चीज है, धरती गोर लागने की चीज नहीं, भी जड़ है, एक दिन भूकंप आएगा और जान मार देगा आपका। इसलिए कि धरती में भी ज्ञान नहीं है, धरती में भी ध्यान नहीं है, बुद्धि और विवेक नहीं है, दया और क्षमा नहीं है कि धरती आप पर दया करे। एक आदमी का उपकार कर दीजिए आप, अब कोई विपत्ति आ गई तो वो आदमी जरूर आप पर दया करेगा, नहीं ये आदमी हमारा भारी उपकार किया है, अभी फर्ज होता है कि इसका मदद हम करें। लेकिन धरती आपको मदद कर देगा, आकाश मदद करेगा, पानी मदद करेगा, अग्नि मदद करेगी। बंधुओं, धरती भी जड़ है, पूजा करते करते मर जाइएगा, कुछ मिलेगा नहीं, समय भी खत्म हुआ, आयु भी खत्म हो गया, अब मिला कुछ नहीं, धरती क्या देगी। धरती में मेहनत कीजिएगा तो अन्न देगी, खाइए, लेकिन गोर लागने से क्या मिलेगा। प्रणाम तो अपने माँ को करना चाहिए, प्रणाम तो अपने पिता को करना चाहिए, प्रणाम तो संत महापुरुष, साधु संत को करना चाहिए, प्रणाम तो अपने नाना नानी और दादा दादी को करना चाहिए, प्रणाम तो अपने मौसा मौसी, फुआ फुफा को करना चाहिए। आज लोग प्रणाम धरती को कर रहा है, आकाश को कर रहा है, पानी को कर रहा है। आप एक आदमी को देखे, झंडा, बांस में झंडा लगा हुआ हनुमान जी के, और बांस को विनती कर रहा था, प्रार्थना। हम क्या बात है, तब बेटा परीक्षा दिया है, वो कॉपी गड़बड़ा गया है, हम कि बांस देखेगा कॉपी कि देखेगा कोई मास्टर, उसको जाके घुस दीजिएगा मास्टर के, तो 5 गो नंबर बढ़ा देगा, बेटा पास कर जाएगा, कि बांस जाएगा कॉपी देखने, देखूप कहाँ के। माने अंध, दिन पर दिन अंधविश्वासी लोग और बढ़ते चले जा रहे। अभी कलस्थापन के दिन से और दशमी के दिन तक मैं मठा ही मठ पर था, कलस्थापन हुआ, अब महंतो ओहने है, एगो चौकी पर कबीर साहब के फोटो सजा के दे दिया महिला सब को, अब महिला सब जे उस दिन से जलढारी करना, अगरबत्ती बारना, अब फूल चढ़ाना शुरू किया, तब पूरे मठ के को अस्त व्यस्त करके छोड़, आ दसवीं दिन दुर्गा भस गई, आज एक भी महिला मठ पर नहीं आ रही है। अब उसी जगह साधु संत भूखे छटपट कर रहा है, उसके पंगत का कोई उपाय ना, हम लोग मठे पर हैं, एगो जो कोई आके प्रणाम चाहे साहेब कोई नहीं, सारे श्रद्धावादी लोग वह फोटो के जल चढ़ाए, फोटो के फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, अब उसी फोटो को गोर ला कर, हम लोग 10 दिन उसी जगह बैठे रह गए, एक भी आदमी प्रणाम करने के लिए। मैं तो कहा इस मठ पर रहना भी बेकार है, हम अंत में कह दिए ये कबीर साहब का मठ नहीं है, ये दुर्गा जी के नैहर है, हर साल आती है, यही धंधा, जितना झांप चढ़ाया गया वो सब उठा के फेंक दिया मठ में, जितना घंटी लगाया गया सब रख दिया मठ में, अभी तक दुर्गा जी के चूड़ी मठ में टांगा हुआ है,
दुर्गा जी के नैहर है कि मठ है कबीर मठ, आ लिखा है पारक मठ मठाई। हम जी के न भागा लिख दिया पारक मठ। होता है यहाँ दुर्गा जी के पूजा आ लिखते हो पारक मठ। अंधश्रद्धावादी, जहां तक अंधश्रद्धा की बात है वो पूजा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और जहां ज्ञान की बात है, कल्याण की बात है, सुख शांति की बात है, मोक्ष मुक्ति की बात है, वो विभाग अब घटते जा रहा है। देखिए दुर्गा के पूजा में तेजी पकड़ लिया, गांव गांव टोला टोला में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, विश्वकर्मा पूजा, छठ देखिए कितना पकड़ लिया है विकराल रूप। लेकिन जहां कल्याण की बात है, मुक्ति की बात है, सुख शांति की बात है, वो सत्संग दिन पर दिन अब घट रहा है। साहब कबीर कहे, नौका डूबे सिलऊ पलाय, नौका डूबे सिलऊ पलाय, आ मछली धई का बगुल बे के खाए, लोगबा कोई न पतियाए, बघबा के बच्चा के बकरिया लेने जाए, लोगबा कोई न पतियाए। नौका डूब गई, जिस नौका पर आप पार कर जाते उस पार, गंतव्य पर चले जाते, वो ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी, ध्यान रूपी नौका अब डूब रही। नौका डूबे और अज्ञानता रूपी लोहा का सिल तैर रहा है ऊपर। इतना बड़ा बड़ा बच्चा सिखल पड़ा खा रहा है, और सारी महिलाएं अंधविश्वास में पड़कर पूरा जीवन देवी देवता पत्थर पानी के पूजा करके अपना, लड़की जब नाबालिग रहती है तब माटी के कनिया दुल्हा पौती पेटारी खीर पूरी बना के खेलती है, लेकिन लड़की जब जवान होती है असली दुल्हा मिल गया तो लड़कियां के खेल बंद कर देती है उसके बाद। लेकिन आज तक ही माता बहन लोग लड़कियां के खेल खेल रही है। साहब कहते हैं मछली धई का बगुलबे के खाए। मछली कैसे खाएगा बगुला के, कि बगुला खाएगा मछली के, उल्टा बात है लेकिन बात सुलटा है। क्या है तो बगुला के अंदर है एकाग्रता, वो एकाग्र रूप से नदी के किनारे बैठा है, पैर भी उठाता है तो बिल्कुल इतना धीरे से कि तन को खौर न खर कराए। बगुला के अंदर एकाग्रता है, अब मछली अगर बगुला के जैसे एकाग्रता मछली के अंदर आ जाए तो बगुला के बाप के दिन नहीं है कि मछली को पकड़। बगुला के अंदर एकाग्रता है और मछली के अंदर चंचलता है, छलमल छलमल करती। एकाग्र रूप से बगुला देख रहा है, और जो मछली चाल दिया कि टप से मारा लोल की। सदगुरु कबीर कहते हैं मछली धई का बगुलवे के खाए। जिस समय मछली वाला चलचलता आपके दिल दिमाग में आ गया तो बगुला रूपी एकाग्रता रहेगा कि खत्म हो जाएगा, चंचलता एकाग्रता को खा जाएगा कि छोड़ देगा, बोलिए खा जाएगा। मछली धई का बगुला देखे